हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मिक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे सुबह 10 बजे। सो गर्ल्स, गर्मियाँ आ ही गई हैं, बस अब सर्दियाँ चली गई हैं, ऑलमोस्ट बस चली गई हैं। एंड गर्मियों के लिए मैंने की है कुछ शॉपिंग। तो गर्मियों में बेस्ट होते हैं कॉटन फैब्रिक्स, तो मैंने लिए हैं कॉटन अनस्टिच सूट्स, बहुत अच्छे अच्छे सूट्स लिए हैं मैंने, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर इट विद यू गाइज। मैंने लिए कॉटन कुर्तीज, कॉटन ड्रेसेज, कॉटन साड़ी एंड नबू के कुछ आइटम्स मिसलेनियस। तो जिन लोगों को नहीं पता है मीशो क्या है, सो मीशो इज इंडियाज नंबर वन अर्निंग ऐप। यहाँ पे आप जीरो रिस्क एंड जीरो इन्वेस्टमेंट पे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह सिंपल शॉपिंग कर सकते हैं। मीशो पे अवेलेबल है बहुत सारे कैटेगरीज लाइक क्लोदिंग, एक्सेसरीज, होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत कुछ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने जो है मीशो ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, तो अगर वहां से आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको फर्स्ट परचेज पे फ्लैट 30% ऑफ या फिर मैक्सिमम 100 रुपीज ऑफ मिलेगा। ऑल्सो मीशो पे जो है प्रोडक्ट लिंक्स नहीं होते, प्रोडक्ट कोड्स होते हैं, तो मैं जितने भी आइटम्स आपको दिखाऊंगी उसके प्रोडक्ट कोड्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जब आप मीशो ऐप पे जाएंगे, वो प्रोडक्ट कोड डालेंगे, तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी मीशो के बारे में, और चलिए अब विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कॉटन कुर्तीज एंड ड्रेसेस जो मैंने ली है। फर्स्ट कुर्ती इज दिस कुर्ती, मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा एंड फैब्रिक इज वेरी सॉफ्ट कॉटन, आई थिंक ये रेयन कॉटन काइंड ऑफ फैब्रिक है। साइज मैंने लिया है एल, मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लूज भी आए ना, तो साइड में बेल्ट दी हुई है, तो आप ये बेल्ट बांध सकते हैं। आगे से ये ना थोड़ा सा बटन अप है, नीचे इसमें कट है, आपको ट्राई ऑन पार्ट में दिख जाएगा। सो इसमें आगे से कट है, तो ये बहुत ही स्टाइलिश कुर्ती लगी। इसको आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं और लेगिंग्स के साथ भी पहन सकते हैं, दोनों के साथ ये काफ़ी अच्छी लगेगी। एंड इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक काफ़ी अफोर्डेबल कुर्ती थी ये। यस, दिस वाज ओनली फॉर 541 रुपीज़, तो मुझे कुर्ती काफ़ी अच्छी लगी। नेक्स्ट मैंने सेम प्रिंट में एक कॉटन ड्रेस ली है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अगेन बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, सेम फैब्रिक है एकदम एंड सेम प्रिंट है, आई डोंट नो हाउ। सो दिस इज स्पेगेटी ड्रेस, ट्यूब ड्रेस, स्पेगेटी ड्रेस है, और इसमें जो है इस तरह का बहुत ही स्ट्रेचेबल दिया हुआ है। तो मैंने इसको एल साइज में लिया है, यस मैंने इसको एल साइज में लिया है, ऑन ये मेरे चेस्ट पे एकदम सही फिट है, और अगर टाइट भी होगा तो भी स्ट्रेचेबल है, तो आराम से आ जाएगा। सो आई थिंक ये ड्रेसेस अगर आप कैजुअली यू नो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, उसके ऊपर एक जैकेट डाल सकते हैं, या फिर आप वेकेशन पे जा रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छी यू नो बीच ड्रेस है। तो आई थिंक दिस इज़ रियली नाइस एंड गर्मियों के लिए स्पेशली फैब्रिक इज़ रियली गुड। ये जो ड्रेस था इसका प्राइस था 455 रुपीज़, विच आई थिंक इज़ वेरी अफोर्डेबल। नेक्स्ट मैंने लिया है कुछ कॉटन अनस्टिच्ड सूट मटेरियल्स। तो फर्स्ट वन इज़ दिस, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दिस इज काइंड ऑफ अ ब्लॉक प्रिंट सूट, जो जयपुरी यू नो प्रिंट्स वाले सूट होते हैं। तो ये जो है इसकी कुर्ती है, दिस इज द दुपट्टा, एंड ये जो है इसकी पजामी है, पजामे का मटेरियल है। दुपट्टा भी अच्छा खासा बड़ा दुपट्टा है, मैं आपको ट्राई ऑन पार्ट में क्लिप करके दिखा दूंगी, ताकि आपको एक होल आइडिया लग जाए कि ये कैसा लगेगा। बट ये मुझे प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी एंड द प्रिंट इज़ रियली नाइस। मुझे ऐसे इंडिगो प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड स्पेशली समर में ये इस तरह के सूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट मैंने एक चंदेरी में अगेन इस तरह का ब्लॉक प्रिंट सूट लिया है, दिस वॉज इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ, दिस वॉज फॉर 1549 रुपीज़। लेकिन गाइज इसका फैब्रिक सच में बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक द फैब्रिक। ये जो है चंदेरी सिल्क में है फैब्रिक, बहुत ही मतलब स्लिमिंग इफेक्ट देगा मुझे ऐसा लगता है, बहुत ही हल्का, बहुत ही पतला एंड हल्का एंड अच्छे क्वालिटी का ये चंदेरी कॉटन कपड़ा है, विच आई रियली लाइक चंदेरी सिल्क का। तो ये जो है कुर्ती है इसकी, दिस इज द दुपट्टा, दुपट्टा भी फुल दुपट्टा है एंड दिस इज द पजामी। तो एंड ट्राई ऑन पार्ट में आप देखेंगे हाउ इट लुक्स। मुझे ये सूट सबसे अच्छा लगा, मतलब बहुत ही एलिगेंट और क्लासी लुक है इसका, एंड अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो यू शुड रियली गो फॉर इट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन टोटल वर्थ द मनी, क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ अहमदाबादी सूट है, वो जो गुजराती सूट्स नहीं होते उस टाइप का सूट है, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल सूट। एंड सबसे पहले मैं इसका प्राइस बताती हूँ आपको, द प्राइस ऑफ दिस सूट इज ओनली 455 रुपीज़। एंड इस सूट का जो है गला है, दिस इज हाउ इट लुक्स, और इसमें साइड में इस तरह की बूटियाँ बनी हुई, बीच में पूरा थ्रेड वर्क है, लेकिन आगे है, पीछे इस तरह का पूरा बूटी बूटी है। एंड दिस इज द दुपट्टा, ये जो है दुपट्टा है, एंड ये जो है नीचे का जो है पजामी का फैब्रिक है। दिस इज नाइस कॉटन एज पर प्राइस, ये अच्छा सूट है,
और उसका थ्रेड वर्क मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये थे 1, 2, 3 सूट्स, सूट मटेरियल्स जो मैंने लिए फ्रॉम मीशो। एंड नेक्स्ट इज अ साड़ी, क्योंकि समर में जो है कॉटन साड़ीज, कॉटन काइंड ऑफ साड़ीज बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने ली ये बंदेज काइंड ऑफ अ बांधनी है ये साड़ी। एंड इसका फैब्रिक एग्जैक्टली, लेट्स सी कि ये क्या कहता है, क्या फैब्रिक है। कॉटन स्लब शिबोरी कलर प्रिंट येलो साड़ी विद जरी बॉर्डर, एंड दिस इज फॉर 868 रुपीज। मुझे ना मीशो पे साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, मतलब उसका फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा होता है, जो अभी तक जितनी मैंने ली है एटलीस्ट उनका फैब्रिक मुझे अच्छा लगा। एंड बहुत ही लाइट साड़ीज़ होती हैं, तो मैं पर्सनली लाइट साड़ीज़ प्रेफर करती हूँ, बहुत हैवी वाली मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस साड़ी, जैसे कि अभी बसंत पंचमी गई थी तो उसमें इस टाइप की साड़ीज़ बहुत अच्छी लगती हैं आपको, स्टाइलिश सा, जैसे मैंने क्रॉप टॉप पे स्टाइल किया है ट्राई ऑन पार्ट में, तो इस तरह का आप स्टाइलिश ब्लाउज बना लीजिए, या फिर आपकी चॉइस है, आप ट्रेडिशनल भी बना सकते हैं, बट मुझे पर्सनली क्रॉप टॉप्स पसंद है। एंड देन इसमें जरी है, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो मुझे काफ़ी पसंद आई है साड़ी, एंड थोड़ी सी ब्राइट है बट आई थिंक समर के हिसाब से काफ़ी अच्छी साड़ी है। नाउ नेक्स्ट वन, ये 2 बहुत ही लाइट नेकलेसेस जो आई थिंक गर्मियों के हिसाब से ड्रेस में काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो फर्स्ट वन इज दिस पर्ल नेकलेस जो मैंने लिया है, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, मैं ट्राई ऑन पार्ट में दिखा दूंगी। इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, मतलब देखने में बहुत ही रिच पर्ल लुक है, तो मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, आई लाइक इट। मैंने एक डबल लेयर पर्ल नेकलेस विद इयर रिंग्स भी लिया है, बट वो अभी तक आया नहीं है, बट मैं लिंक में दे दूंगी आपको। सो दीज आर द 2 नेकलेसेस पर्ल वाले जो मैंने लिए हैं। नेक्स्ट एक 3 लेयर है जो मेरी मदर इन लॉ ने पसंद किया था, उनको इस तरह का चाहिए था। दिस इज़ अ लाइट 3 लेयर मंगल सूत्र काइंड ऑफ नेकलेस, बहुत ही लाइट है एंड साड़ीज वाड़ीज में अच्छा लगेगा। तो ट्राई ऑन पार्ट में आपको मैं क्लोज लुक में दिखाती हूँ हाउ इट लुक्स, बट ये भी अच्छा लगा हमें, मतलब समर के लिए काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट मैंने लिए नवू के लिए कुछ आइटम्स, तो दीज आर द 2 लेगिंग्स जो मैंने नवू के लिए लिए, 1 येलो में और 1 वाइट में, क्योंकि येलो में उसके बहुत सारे यू नो ड्रेसेस हैं, तो मुझे उसके मैचिंग की लेगिंग्स चाहिए थी। एंड दिस इज वाइट इन कलर, दोनों मैंने 2 to 3 ईयर्स में लिए हैं, एंड दिस इज ऑल्सो क्वाइट रीजनेबल। देन मैंने नवू के लिए हैं शूज, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से चूचू वाले, बिकॉज अब वो चलने लगी है, मतलब ये एकदम बिना सहारे के तो नहीं चलती पर चलने लगी है, तो मैंने उसके लिए शूज़ लिए हैं, क्योंकि इसके पहले वाले शूज़ जो छोटे हो गए थे। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, क्यूट क्यूट पिंकू पिंकू से। एंड लास्टली मैंने अपने हबी के लिए 2 शॉर्ट्स, एक शॉर्ट्स का सेट लिया है, क्योंकि समर शॉपिंग है तो समर में सब शॉर्ट्स पहनते हैं। तो दिस इज हाउ इट लुक्स, एक ब्लू में है एंड एक ब्लैक में है, 2 शॉर्ट्स का एक ये सेट आया है, तो ये भी काफ़ी सेट पे रीजनेबल पड़ गया। तो गाइज़ ये थी ऑल अबाउट समर शॉपिंग फ्रॉम मीशो, कुर्तीज़, ड्रेसेस, कॉटन सूट सेट्स, एंड नवू की कुछ शॉपिंग, हस्बैंड की कुछ शॉपिंग। इन सब में सबसे अच्छा अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे वो चंदेरी सिल्क वाला सूट एंड वो इंडिगो प्रिंट ब्लू वाला कॉटन अनस्टिच सूट बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल्सो आई थिंक वो कुर्ती जो थी प्रिंटेड वो भी अच्छी थी। सो गाइज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि मीशो पे आपको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो जैसे आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो उस पर आप क्लिक कीजिए एंड साइज सेलेक्ट कीजिए, ऐड टू कार्ट कीजिए। अब अगर आपको मीशो पे ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपको जिसको भेजना है उनका एड्रेस डालिए एंड फाइनल प्राइस में आप डालिए। जैसे कि 500 का प्रोडक्ट है तो अगर आपको 60 रुपीज़ का मार्जिन चाहिए तो आप 560 रुपीज़ डालिए फाइनल प्राइस में, तो 60 रुपीज़ जो है वो आपका मार्जिन हो जाएगा। एंड आप जिनको भेजना है उनका एड्रेस डाल दीजिए तो वो उनको चला जाएगा एंड ये जो मार्जिन है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह आप मीशो पे 0 इन्वेस्टमेंट एंड 0 रिस्क पे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह सिंपल शॉपिंग करना चाहते हैं तो फाइनल प्राइस में जैसे 500 का प्रोडक्ट है तो 500 ही डालिए, तो मार्जिन जो है 0 हो गया एंड देन वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सो वंस अगेन, मीशो ऐप का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, तो अगर आप वहां से मीशो ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको फर्स्ट परचेज पे फ्लैट 30% ऑफ या फिर मैक्सिमम 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। ऑल्सो मैंने सारे प्रोडक्ट्स के जो है प्रोडक्ट कोड्स नीचे दे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जब आप मीशो ऐप पे जाएंगे प्रोडक्ट कोड डालेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर नहीं आया इसका मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो जल्दी से प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं मीशो पे, और कई टाइम वापस भी आते हैं और कई बार नहीं भी आते हैं। तो अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो यू कैन चेक इट आउट इंस्टेंटली ऑन मीशो। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा। इफ़ येस, मुझे बताइए आप और क्या देखना चाहते हैं नेक्स्ट मेरे चैनल पे, क्योंकि गर्मी आने वाली है, स्प्रिंग समर फैशन या फिर क्या, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप देना ना भूलिए एंड सब्सक्राइब कीजिए पोकी मेक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए फॉर ऑल द क्विक फैशन फोटोज, रील्स, स्टोरीज एंड एवरीथिंग। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पोकी मेक्स। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटिफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।